राम राम किसान बंधु। इस समय गेहूं में बालियां निकल आई हैं और ऐसे में माहू और इल्ली की जबरदस्त आक्रमण देखने के लिए मिल रहा है। माहू तो जब भी आप जाते हैं तो दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन इल्लियां जल्दी दिखाई ही नहीं पड़ती हैं। तो जब तक ये दिखाई नहीं पड़ेंगी, तब तक हम कैसे मानेंगे कि हमारे खेत में इल्लियाँ लगी हुई हैं? तो आज हम आपको कुछ ऐसी पहचान बता रहे हैं जिसे आप खेत में जाएं और देखें तो आप समझ जाइए कि आपके खेत में इल्लियों का प्रकोप हो चुका है और इल्ली नाशक दवाएं आप डाल दीजिए। तो सबसे पहला पहचान है कि अगर आप खेत में जाएं और देखें, गेहूं की जो पत्तियां हैं वो कटी हुई दिख रही हैं, जो इस तरीके से कुछ दिख रही हैं, तो आप ये समझ जाइए कि इसमें इल्ली का प्रकोप हो चुका है। दूसरा, अगर आप देखिए कि गेहूं की सभी बालियां ठीक लगी हुई हैं, लेकिन कुछ गेहूं की बालियां जो हैं उनके बाल कुछ इस प्रकार से कटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर इल्लियों का प्रकोप हो चुका है। तीसरे कदम में बढ़ते हैं तो तीसरा पहचान है कि अगर पत्तियों पर कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरीके से अगर लैट्रिन दिखाई पड़ रही है, बगल में पत्तियां कटी दिखाई पड़ रही हैं, तो भी आप समझ जाइए कि आपके खेत में इल्लियों का प्रकोप हो चुका है। चौथी जो पहचान है वो मैं आपको बता दूं कि बालियां पूरी तरीके से सफ़ेद दिखाई पड़ रही हैं, और अगर आप उन्हें कुछ इस प्रकार से ऐसे उखाड़ने की कोशिश करते हो और ये त्वरित रूप से उखड़ आती हैं, और जैसा आप डंठल में भी देख सकते हो कहीं पर भी जो है वो बिना बल लगाए निकल आई हैं और कटी भी नहीं दिख रही हैं, फिर भी बालियाँ सूखी हुई हैं, तो आप ये समझ जाइए कि इसमें इल्ली का प्रकोप हो चुका है। चौथा, अगर इतने सारे लक्षण जब दिख ही रही हैं तो आप खेत में ढूंढ लीजिएगा तो आपको इल्लियाँ भी देखने के लिए मिल जाएंगी। वैसे इल्लियों को देखने के लिए आपको शाम के टाइम में जाना पड़ेगा, जब इल्लियाँ आती हैं ऊपर की तरफ और जो है अपना भोजन ग्रहण करती हैं, ऐसे समय में आपको इल्लियाँ देखने के लिए मिलेंगी, या फिर सुबह जल्दी जाएंगे तो भी आपको खेत में इल्लियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अगर ऐसा कोई भी लक्षण आपके फसल में दिख रहा है या फिर इल्लियाँ ही दिख रही हैं, तो आपको इल्ली नाशक दवाएँ डाल देना चाहिए, जिससे आपके गेहूं की पैदावार घटे नहीं, अच्छी खासी आपको उत्पादन मिले। इल्ली नाशक कोई भी दवा आप डाल सकते हैं। ये इल्लियाँ मक्के की तरह इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है कि जल्दी मरेगी नहीं, इस पर आप कोई हल्की सी भी दवा डाल दोगे तो भी ये मर जाती है। अब ऐसे में अगर मैं आपको दवाओं के नाम बताऊँ तो सबसे सस्ती दवा है लेमडा साहेलोथ्रीन, जो कि 4.9% CS में भी आती है और 5% EC में भी आती है। कोई सी भी दवा आप 200 ml पर एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये जो 5% EC है ये 60 रुपये से शुरू हो जाती है 100 ml, और जो CS फार्मुलेशन वाली है वो 100 रुपये में 100 ml आती है। लेकिन आपको बता दूं कि ये दवा अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि शरीर के किसी भी हिस्से पे ये लगनी नहीं चाहिए, अगर लग जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा जलन होगी। कुछ कंपनियाँ ऐसी भी हैं जो नॉन इचिंग पाउडर भी देती हैं, अगर ऐसी कोई कंपनी है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, तेल में फिट करके पहले ही लगा लीजिए, इससे दवा का असर नहीं होगा, ये सबसे सस्ती है। इसके अलावा जो क्लोरी पारीफास आता है 20% आता है या और भी परसेंटेज में आता है, कोई भी आप सिंपल सा ही स्प्रे कर देंगे तो भी यह समाप्त हो जाएंगी। यहाँ पर आपको 400 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से क्लोरी पारीफास को लेना है, या फिर प्रोफेक्स सुपर के नाम से प्रोफेनोफास आता है, उसे भी आप प्रयोग कर लीजिए 400 ml पर एकड़ के हिसाब से, वह भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए आपको देगा। बात करें अगर डबल टेक्निकल्स में, तो हम डबल टेक्निकल में क्लोरी पारीफास भी साइपरमेथ्रिन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि 400 ml पर एकड़ के हिसाब से यूज करेंगे और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। प्रोफेनोफास भी साइपरमेथ्रिन भी आता है, इसका भी आप 400 ml पर एकड़ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। 100 से 150 लीटर पानी आपको उपयोग करना है, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। हाँ, अगर आपको चलते चलते मैं बता दूं कि अगर आपके खेत में इल्ली और माहू की समस्या एक साथ दिख रही है, तो आप जो एक दवा आ रही है सजेंटा की अलीका है, उसे आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें थायमेथॉक्सम और लैम्डा साहेलोथ्रिन दोनों ही मिलता है, या फिर आप अलग अलग दवाओं को एक साथ स्प्रे कर सकते हैं। तो ये सारी जो हैं, अगर इल्ली माहू या कुछ भी दिख रहा है तो आप जा करके स्प्रे कर दीजिए, जिससे आपको अच्छा खासा उत्पादन देखने के लिए मिले। और ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए बराबर लेकर के आते रहते हैं, तो मेरे मोटिवेशन और अपने नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, राम राम।